हाथरस में एमए फाइनल का रिजल्ट न आने से परेशान होकर छात्र छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, अगर रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। आपको बता दें कि पूरा मामला कोतवाली हाथरस गेट के पीसी बगला डिग्री कॉलेज का है, जहां आज एमए फाइनल का रिजल्ट न आने के बाद कॉलेज के चक्कर काट रहे छात्र परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहे छात्र छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र छात्राओं ने बताया कि हमें परीक्षा दिए हुए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। आगरा यूनिवर्सिटी में रिजल्ट की बात करते हैं तो आज कल आ जाएगा यह कहा जाता है। 2 महीने हो चुके हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम सभी को मजबूरी में धरने पर बैठना पड़ा है। रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो हम सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। कि हम लोगों की परीक्षाएं सभी कार्यों के साथ में अगस्त 2023 तक संपन्न हो चुकी थी। हम सभी एमए अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं हैं। हमारा जो विद्यालय है अभी वर्तमान में राजा महेंद्र प्रताप से कनेक्ट हो चुका है। पहले जब हमारे जो स्टडी है वो आगरा यूनिवर्सिटी से हो रखी है। अब रिजल्ट लंबित कर दिया गया है, अन्य सभी कॉलेजों के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। 6 महीने गुजर गए हैं लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। ना तो हमें यहाँ से कोई सहायता मिल रही है, क्योंकि सर का कहना ये है कि हमारा कॉलेज जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हो गया है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। और आगरा यूनिवर्सिटी से सिर्फ फ़ोन पर ये कह दिया जाता है कि आपका रिजल्ट आज आ जाएगा। पिछले 2 महीने से यही चल रहा है। अब हम इतना परेशान हो चुके हैं कि हमें यहाँ धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यदि हमें इसी तरीके से कोई सहायता नहीं प्रदान की जाएगी, कुछ नहीं कहीं से कोई जवाब आएगा, तो हम मजबूर होंगे कि हमें रोड पर भी बैठना पड़े, यूनिवर्सिटी के सामने भी बैठना पड़े। और ये सभी छात्र छात्राएँ हाथरस ही नहीं बल्कि अन्य अन्य जिलों के अंतिम कोनों से भी आते हैं। अगर लोगों को या यूनिवर्सिटी को या विद्यालय प्रशासन को हम लोगों की समस्याएं नहीं नज़र आ रही हैं, तो इसमें इन लोगों को आने वाले समय में एक कुछ बड़ा कदम देखने को मिल सकता है। हम सभी इतने परेशान हैं, सुबह 8 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। हाथरस से प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ शानू आलम की रिपोर्ट।